भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में पासिंग आउट परेड के बाद देश और विदेश के 372 कैडेट्स अपने अपने देशों की सेनाओं में अफसर बने। इनमें से भारत को 343 युवा अफसर मिले, साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए। इस बार पासिंग आउट परेड की सलामी श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली। भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 8 बजे परेड शुरू हुई। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडलिस्ट गौरव यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनको 5वें प्रयास में सफलता मिली और आज अफसर बन गया। उन्होंने बताया कि कई बार फेल होने पर निराशा भी हुई, लेकिन सहन शक्ति और लगातार कठिन परिश्रम करना नहीं छोड़ा। बस आपको इतना इच्छा दिखाने की हाँ मैं कर सकता हूँ। देन यू विल सी पीपल अराउंड यू, दे विल कम टू हेल्प यू। आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, आपके ऑफिसर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे। आप स्कूल में एक बार दिखाओगे, आपकी आंखों से पता लग जाएगा कि हाँ इसमें कुछ बात है, ये कर सकता है। देन यू विल सी पीपल अराउंड यू कि आपको मोटिवेट करने, तो आपको हर जगह से इंस्पिरेशन मिलती है। बस आपको एक काम करना है जिंदगी में कि आपको अपने आप मोटिवेट रखना है, और कुछ भी अचीवमेंट हो उससे नेक्स्ट अचीवमेंट सोचना चाहिए हमेशा। चमोली जिले के थराली निवासी सौरभ बधानी को सिल्वर मेडल मिलने पर बेहद खुशी हुई। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और दोस्तों को दिया। उनका कहना है कि कड़ी मेहनत के दम पर ही सफलता मिलती है। मेरे लिए आज ये बहुत गर्व का अवसर है कि मैं यहाँ से भारतीय सेना में कमीशन होने जा रहा हूँ, और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी के सभी इंस्ट्रक्टर्स का, जिन्होंने मुझे अच्छे से ट्रेन किया, गाइड किया और मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। सेना में अधिकारी बनने पर जितनी खुशी युवा अफसरों के चेहरों पर झलक रही थी, उससे कहीं अधिक खुशी उनके परिजनों के चेहरों पर नजर आ रही थी। इंडियन आर्मी में जाना जो है, एक ऑफिसर के रैंक पे जाना बहुत गर्व की बात है, और यही कोशिश करेंगे। देश सेवा सबसे पहले राष्ट्र हमारी पहचान है, बिना राष्ट्र के हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी जो असली पहचान है वह राष्ट्र है, और राष्ट्र के लिए जो है सेना के जवान तैयार किए जाते हैं, और जब वो सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं। इस बार देश को युवा सैन्य अफसर देने में उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। पासिंग आउट परेड में उत्तर प्रदेश के 68, उत्तराखंड के 42, राजस्थान के 34, महाराष्ट्र के 28, बिहार के 27, हरियाणा के 22, पंजाब के 20, हिमाचल प्रदेश के 14, कर्नाटक के 11, जम्मू कश्मीर के 10, केरल और पश्चिमी बंगाल के 9-9, दिल्ली और तमिलनाडु के 8-8, मध्य प्रदेश के 7, झारखंड और उड़ीसा के 5-5, आंध्र प्रदेश के 4, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ के 3-3, गुजरात के 2, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय के 1-1 कैडेट के साथ नेपाल मूल के 4 कैडेट पास आउट हुए।